महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, महिलाओं को रात में रात उठा करके जेल में ले जाकर के टॉर्चर किया जाता है, इससे उल्टी सीधी वीडियो बनवाई जाती है, उठा उठा करके उन पर संगीन धाराएं लगाई जा रही है। इसको आप विकास कहें तो ये आपकी भाषा में विकास होगा। और सबसे ज्यादा आज बुरा हाल है तो हमारी बहन बेटियों के साथ, हम लोगों के साथ है। बलात्कार करवाते रहो, बुलडोजर चलाते रहो, इसलिए चुनाए मामा को। जब मामा कहाँ था, कौन सा मामा मर गया था, जब औरत के साथ ही ऐसा होता है, सारे नेता बैठ के देखते हैं क्या हमारी समाज की बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है, मामा चुप के बैठा है, उसको 6 महीने 2 साल बाद में फांसी देते हैं क्यों? ऑन द स्पॉट गोली मारो ना, फांसी चढ़ाओ ना। ये तो जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति ये सरकार करती है। भाजपा की सरकार करती है लड़वाने का आपस में भाई भाई को, यही जाति हिंदू मुसलमान जाति के रूप में लोगों को बांटना, यही सरकार का इसका काम है। तो एक नहीं किया उसने, वो बस ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये तानाशाह और हिटलर साहू की सरकार है। लगातार जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर इनकी खिलाफत करेंगे। हमें फांसी पे चढ़ा दे, ये गुजरा है, गुजर है, और इस डबल इंजन की सरकार को ऐसे उखाड़ फेंकेंगे कि जैसे लहराई थी उसे दुगनी तेजी से जाएगी वापस। प्रधानमंत्री है, हमने तो अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, अंग्रेजों को बाहर में लिया, अंग्रेज नहीं रुके हमारे सामने, मुगल नहीं रुके, तो ये क्या चीज है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और आपको बता दें कि ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये सभी ग्वालियर से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं अपनी मांगों के साथ। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव आने से पहले घमासान मचा हुआ है, उसके बाद ये हाल देखना कि दिल्ली तक चलकर आ रहे हैं पब्लिक, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये कहते हैं, कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है, और क्या कुछ जनता का कहना है। साफ तौर पर इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से उसकी खिलाफत करेंगे और हम लोग आने वाले समय पर इस लड़ाई को बड़ा करेंगे। मुख्य मांगे क्या है अर्जुन प्रधान? मुख्य मांगे सीधे हैं, ग्वालियर के जो हमारे साथी हैं तो ग्वालियर के साथियों पर जो उनके खिलाफ जाति की जा रही, उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जा रही, एक दिन में उनको इनाम कर दिया गया और घोषित रूप से उनको जो है बदमाश ठहरा दिया गया, तो इसकी खिलाफत हम लोग करने के लिए हजारों हजार की संख्या में इकट्ठे हुए थे। 12 तारीख को हम जो है जेल भरो भी करेंगे। सर, आरोप लगता है गुर्जर समाज जातिवाद फैलाता है। जातिवाद अगर कोई सबसे ज्यादा फैलाता है तो भाजपा की सरकार फैलाती है। सबका सबका विकास, गुर्जरों को सतारे, जाटों को सतारे, वाल्मीकि को सतारे, कश्यप को सतारे, OBC को सतारे, अगड़ों को सतारे, क्या मुसलमानों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। सर, BJP का कोई भी विधायक और सांसद यहाँ पर मौजूद नहीं है। BJP वालों, बेचारे BJP वालों से पूछो ना, वो क्यों नहीं है, समाज के लोग नहीं, समाज के नाम पर विधायक बने, सांसद बने, डर के घर में बैठे, एक समाज को लेकर आए हैं, जातिवाद फैल रहा है। आप बताइए, समाज के लोग यहाँ पे, दलित समाज के लोग थे, पाल समाज के लोग थे, यादव समाज के लोग खड़े हैं, जाट समाज के लोग खड़े हैं, सारी बिरादरी के लोगों ने इकट्ठे मिलकर ग्वालियर के गुर्जर लोगों के लिए बुगल बजाया और उसके उनके खिलाफ इकट्ठा होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा। BJP जो लगातार हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रही है, और आप लोग जो है आपस में भाई भाई में लड़वाने का काम कर रहे हैं। ये भाजपा की सरकार करती है लड़वाने का आपस में भाई भाई को, यही जाति हिंदू मुसलमान जाति के रूप में लोगों को बांटना, यही सरकार का इसका काम है। बड़ी मुश्किल से BJP ने जो 80% को एकत्रित किया था। जातीय जनगणना हो, हक और अधिकार सबको बराबर मिले, ये हमारी सोच है। ग्वालियर में जो घटना घटी है, उनको तो पाप लगेगा, उन्होंने खड़े होकर लोकसभा में क्यों OBC के लोगों को बताया, क्यों कह रहे थे कि SC की महिला को हमने, SC समाज की महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी समाज के महिला को हमने आदिवासी बना दिया, SC को हमने राष्ट्रपति बना दिया, कौन बोल रहा था? लगातार जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर इनकी खिलाफत करेंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भाई भाई, ये राजनीति, राजनीति की महत्वाकांक्षा मोदी जी से पूछिए, हम लोग विधायक बनकर आए हैं, जनता ने हमें चुना। तो आपने सुना किस तरीके से जो है विधायक ने बताया, और तमाम लोग जो है उन्हीं के आदेश पर जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और जो है बड़ी संख्या में जो है भीड़ है। आपने देखा कि तमाम लोग हैं यहाँ पर, जनता जो है पूरी समर्थन के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्या कहेंगे मैम, किन मांगों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मांगे हैं? ऐसा है, अभी हमने 25 तारीख को ग्वालियर में एक गुर्जर महाकुंभ रखा था, जिसमें हमारी मांगे थी कि भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना हो, और जो हमारे गुर्जर समाज के साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है वो बंद हो, जो गुर्जर शब्द जगह जगह मिटाया जा रहा है वो पुनः लिखा जाए,
और जो हमारे गुजर युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करना बंद हो। मामा जी तो कह रहे हैं कि सारे समाज के लिए बराबर काम कर दिया, सब खुशहाल हैं। नहीं, मामा के कहने से क्या होता है, ऐसा है कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। आप तो बहन है, मामा कह रहे हैं बहनों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, आप बहन होकर मामा की बुराई कर रही हैं। नहीं देखिए, कहने में कह रही हूँ ना, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आपने देखा अभी मध्य प्रदेश में उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ है? वो चलाई आपने खबर, बुलडोजर चला दिया ना उनके घर पे। नहीं, कोई बुलडोजर नहीं चला, सब झूठ है। आरोपी के घर पे बुलडोजर चल गया, मतलब बलात्कार करवाते रहो, बुलडोजर चलाते रहो, इसलिए चुनाए मामा को। ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसी नौबती ना आए बलात्कार होने की, खुले घूमे सब, तब समझे हम मामा को, इस सरकार को तब समझे जब खुले घूमे। आप कुछ कह रही हैं, बताइए। मैं बोल रही हूँ, जब ये कह रहे हो मामा बहनों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मामा कर क्या रहे हैं? हमारे समाज की या किसी भी समाज की बहन बेटियों को उठाकर पुलिस थाने ले जाती है, वहाँ पीटा जाता है, और आप कह रहे हो मामा बहन बेटियों के लिए ये कर रहा है, क्या कर रहा है मामा? कह रहे कि हम चले गए तो याद बहुत आएगी। मामा को कोई याद ना करना, मामा अपनी अपनी रोटी से एक रहा है बस। वो तो रो रो के कह रहे हैं कि बहुत याद आएंगे आप लोग को, हमें मत भेजो। हम तो याद कर ना करने वाले करेंगे, हम तो ना करें, बहन बेटी तो कोई भी ना करने की। जिस तरह से हमारे समाज की वहाँ पे एक बहन बैठी थी जिसका नाम है हर्षिता गुजर, उसको पुलिस उठा के लेके आई है और उसको वहाँ पे मार पीट की रही है, उसके साथ में इतना बुरा किया, बदतमीजी करी है। जब मामा कहाँ था, कौन सा मामा मर गया था जब, क्या हमारी समाज की बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है? मामा चुप के बैठा है, शांति व्यवस्था भंग करेंगे तो पुलिस उठाएगी ना। अच्छा, आप इस चीज को किसने भंग करी है? किसने भंग करी? प्रशासन ने। कलेक्ट्रेट पे हम ज्ञापन लेके गए थे तो क्या हम हाथ में पत्थर उठा लेके गए थे? क्या था हमारे हाथ में? हमारे पास पुलिस उठा लिया, पुलिस ने वहाँ प्री प्रायोजित प्लान के साथ वहाँ पर आंसू गैस घोड़े छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया निहत्थे लोगों पर, और उसके बाद उन्हीं को ही उठा करके जेल में डाल दिया गया, और उन पर 307 जैसे संगीन धाराएं लगाए। 307 धारा कब लगती है? जब कोई अंग कटफट जाए, जब कहीं फ्रैक्चर हो जाए तब लगती है, लेकिन 307 धारा लगाने का क्या मतलब है इस मामले? डबल इंजन की सरकार है तो बड़े बड़े नेताओं को नहीं छोड़ रही है, आरोपी जो है उनको लेकर हमें फांसी पे चढ़ा दे। ये गुजरा गुजर है और इस डबल इंजन की सरकार को ऐसे उखाड़ फेंकेंगे कि जैसे लहराई थी उसे दुगने तेजी से जाएगी वापस। और ये क्या आप कह रहे हो कि ये किसी को नहीं छोड़ रहे? हम गुजर हमें फांसी पे चढ़ा दे, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है, पर समाज गुजर समाज जाग चुका है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी है प्रधानमंत्री ने, कैसे उखाड़ फेंकेंगे? कौन? अच्छा, सप्ताह में दो रैलियां या किसने था? प्रधानमंत्री है, हमने तो अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, अंग्रेजों को बाहर भगाया, अंग्रेज नहीं रुके हमारे सामने, मुगल नहीं रुके, तो ये क्या चीज है? उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। हम अपनी वोट की चोट से इन्हें अपना बदला लेने का काम करेंगे और अपने समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे हम। ये एमपी की जनता है और ठान चुकी है। आप लोगों के बीच में ही रहते हैं गुजर, आप लोगों के बीच में ही रहते हैं, चंद्रमा का मिट्टी का तिलक लगाने का जज्बा रखता है गुजर, गिद्दड़ पालने का शौक नहीं, शेर पालने का रुतवा रखते हैं गुजर। आप तो जातिवाद फैला रहे हैं। अच्छा, जातिवाद अभी आप लोग ही सवाल कर रहे हो, जातिवाद जब गुजर हम अपनी बात कहते हैं तो जातिवाद हो गया, और समाज कुछ भी करे वो जातिवाद नहीं है। एक जाति की बात हमारे जा रहे हैं। दादरी में चक्रवर्ती गुजर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति पर गुजर पर कालिक किसने पोती? हिंदुओं को नहीं पोती वो, इस प्रशासन ने कालिक पोती है। तो जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति ये सरकार करती है। जो डबल इंजन की सरकार मोदी ने बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से हिंदुओं को एक किया है, आप लोग फिर बांटने लग गए। हिंदुओं को एक नहीं किया उसने, वो बस ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये तानाशाह और हिटलर साहो की सरकार है, ये भाजपा का सरकार है, इसे गुजर उखाड़ के फेंकेंगे। गुजर नहीं, सारी जाति हिंदू हितैषी सरकार है हमारे साथ, आज 36 बिरादरी खड़ी है। आप कैसे कह सकते हो जातिवाद, जातिवाद? अच्छा, वो नेता है तो उसने जातिवाद, गुजर बाहर खड़ा हो जाता तो उस पे जातिवाद का वो लगा देते हैं आप लोग। हिंदू को संगठित होने की जरूरत है। हाँ, तो गुजर वो सारे हिंदू सब एक है, हमारे साथ भी आज 36 बिरादरी है। कब संगठित नहीं था हिंदू? तो हिंदुओं को अब इन्होंने बिखेरा है, हिंदू तो संगठित था, उस संगठन को इन्होंने तोड़ दिया हिंदुओं के को। कहा मोदी जी ने ये लोग कैसे तोड़ दिए? वो तो लगातार एकत्रित करने की, नहीं उन्होंने पूरे जातिवाद फैला के क्या किया? हिंदुओं को ही तो तोड़ा है जातिवाद फैला करके। तो हिंदुओं को तोड़ने का काम किया है, जातिवाद किसने फैलाया? धर्मवाद और जातिवाद की राजनीति करता कौन है? ये जो वर्तमान सरकार है,
क्योंकि ये विकास की ना करती है, ना शिक्षा की करती है, ना स्वास्थ्य की करती है। ये बातें ही धर्मवाद और जातिवाद की करती है। एक बात बताओ, आप लोग मीडिया वाले हो, आप सवाल करो इन नेताओं को, लेके ऐसे कर दिया, ऐसे लेकर दिया, उनके खिलाफ भी एक भी सवाल क्यों नहीं पूछते तुम? उनके खिलाफ एक भी सवाल क्यों नहीं पूछते आप लोग? उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता। अच्छा, उनके खिलाफ सबूत ही नहीं मिलता ना? आम जनता के सबूत है और नेताओं के सबूत नहीं है। आप उनके खिलाफ एक भी सवाल करो ना। मोदी मोदी को मोदी युग पुरुष कहा जाता है। सुनिए मैडम, मोदी जनता कहती है कि मोदी जैसा इंसान सदियों में कभी पैदा होता है, युग पुरुष है मोदी। वो तो पूरी दुनिया में उसकी माँ ने एक ही पैदा करा है, और तो सब ऐसे ही है, और तो सतमासी अठमासी है, वो ही पूरा हुआ है मोदी। बस है, आप सवाल कर रहे हो, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए महिला होके। कोई बात नहीं, जब आप महिला होके मेरे से सवाल करेंगे तो मेरा भी अधिकार है, महिला होने के नाते मैं भी सवाल कर जवाब दूंगा। ये विकास हुआ है? विकास थारा हो रहा होगा, हमारा तो नहीं हो रहा, हमारा तो कुछ ना हो रहा। एमपी में हुआ, मामा ने विकास किया कुछ? मामा ने क्या किया? मामा ने ना करा कुछ भी, मामा से हमारा मतलब ना। आइए, शिवराज सिंह की चौहान की जो सरकार थी, तमाम बहनों के लिए मामा नाम से जाने जाते हैं, और बहनों के लिए इतना काम किया है, और बहनें ही सबसे ज्यादा बुराई कर रही हैं। हमारी ही बहन को उठाया गया तो हम तो बुराई करेंगे, जब हमारी एक बहन के बहनें ही बागी बन गई। बहनों के लिए इतना किया है कि आज 12 साल की लड़की का रेप हो जाता है और वो भटकती घूमती है सारे में। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, महिलाओं को रात बेरात उठा करके जेल में ले जाकर के टॉर्चर किया जाता है, उनसे उल्टी सीधी वीडियो बनवाई जाती है, उठा उठा करके उन पर संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं। इसको आप विकास कहें तो ये आपकी भाषा में विकास होगा? क्या चाहती है आपकी बार एमपी की जनता? बदलाव चाहती है। बदलाव जब ऐसा होगा तो बदलाव तो चाहेगी ना। सबसे पहले तो कहीं भी एमपी की नहीं, कहीं की भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज हम महिला रोड पर निकलते हैं तो सबसे पहले देश में भी बदलाव आएगा। बदलाव आएगा अगर हम सब एक रहें, 36 बिरादरी एक होके, तो बदलाव जरूर आएगा। अगर हम अलग अलग में बंट जाते हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख ईसाई हो गया, तो कुछ नहीं होने का। अगर हम सबको एक होना पड़ेगा, जब भी हमारे देश की बहन बेटियों को हम बचा पाएंगे। और सबसे ज़्यादा आज बुरा हाल है तो हमारी बहन बेटियों के साथ, हम लोगों के साथ है। हर जगह बहन बेटियों को वो किया जाता है, हर बहन बेटियों के साथ में गैंग रेप हो जाता है, उसको बाद में उसकी सज़ा सुनाते हैं, लंबा केस चलता रहता है, क्या फ़ायदा? उसको फांसी की सज़ा क्यों नहीं देते? हर जगह में सबसे पहले महिला आगे हैं। अगर किसी ने जन्म लिया, वो भी पैदा कर दी है, वो भी एक औरत है, और औरत के साथ ही ऐसा होता है, सारे नेता बैठ के देखते हैं, उसको 6 महीने 2 साल बाद में फांसी देते हैं। क्यों? ऑन द स्पॉट गोली मारो ना, फांसी चढ़ाओ ना। जब मानेंगे कि महिलाओं को अधिकार दे रखा है, महिलाओं का मान सम्मान करते हैं, कोई महिला का मान सम्मान नहीं है। सबसे ज़्यादा आज बुरा हाल है तो हम जैसी बहन बेटियों महिलाओं का है, जो हम महिलाएँ भी रोड पर नहीं चल सकती अकेले बाहर। तो सुना आपने किस तरीके से जो है बहनों ने ही सच्चाई बता दी है, जमीनी स्तर की सच्चाई, कितनी सुरक्षित महिलाएं हैं और कितना विकास हुआ है, ये सच्चाई हमने आपके सामने खोलकर रख दिया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जनहितावाद।